हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी? तो यार आज अपन बात कर रहे हैं आई के गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी कि पीटीयू। ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पीटीयू क्या चीज़ है। एक पहले एक ही यूनिवर्सिटी था, आपने नाम सुना होगा आई के गुजराल, MRS, पीटीयू। ठीक है, इनके आगे पीटीयू पीटीयू लगा हुआ है। तो पहले एक ही यूनिवर्सिटी था पीटीयू, जिसको हम पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी बोलते थे। फिर उसके दो टुकड़े हो गए 2014-15 के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज हो गई थी। तो दो स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए गए, एक का नाम था आई के गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी और एक का नाम कर दिया MRS यानी कि महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि बठिंडा के अंदर है, जो कि पंजाब के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है। और ये जो आई के गुजराल है कपूरथला जलंधर के अंदर है। तो यार यहाँ पे जो भी है ऑलमोस्ट सारी काउंसलिंग अभी स्टॉप होने वाली है। एडमिशन सारे काउंसलिंग जो आई के गुजराल की है वो तो स्टॉप हो चुकी है, लेकिन यार अभी डायरेक्टली एडमिशन मिल रहा है इनके अंदर। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि काउंसलिंग में तो कुछ मिला नहीं, लेकिन अभी जस्ट डायरेक्ट एडमिशन मिल रहा है CS ब्रांच को छोड़ के। ठीक है, CS में तो ऑलमोस्ट सारा भर चुकी है सीटें, लेकिन हाँ CS ब्रांच को छोड़ के अगर किसी भी ब्रांच में तुम्हें एडमिशन चाहिए तो तुम डायरेक्टली ले सकते हो। नो डोनेशन, कोई भी डोनेशन नहीं लग रहा है तुम्हारे। ठीक है, कुछ भी नहीं, चॉकलेट भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन बठिंडा। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं इसके कोर्सेज की। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो इतने सारे कोर्सेज है बीटेक के अंदर, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, ये जो है MBA है, ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज दे। ये सबसे अच्छा, आई थिंक सबसे अच्छा जो कोर्स चल रहा है अभी, ये जो है क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, फूड टेक्नोलॉजी। ठीक है, कितना ज्यादा स्कोप है यार, खाना तो सभी को चाहिए होता है। धूप आजकल कोई नहीं खाता, कुछ ही लोग खाते हैं। ठीक है, धूप, ओके, धूप नहीं खाते सभी लोग। ठीक है, कुछ लोग ही खाते हैं। ठीक है, और सभी खाना खाते हैं। तो फूड टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा स्कोप है फ्यूचर के अंदर। ठीक है, और ये कभी भी रुकने वाला नहीं है। ठीक है, हमेशा चलेगा ये। ठीक है, तो आप जस्ट टारगेट कर सकते हो यार CS ब्रांच को छोड़ के, ऑलमोस्ट सभी के अंदर भी डायरेक्ट एडमिशन अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये MOU कनेक्टेड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, आप जैसे इसका हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेल्पलाइन नंबर। तो यार यहाँ पे आप लोग हेल्पलाइन नंबर देख सकते हैं 1800-121-1833। ठीक है ना, 1800-121, 1833, इसके ऊपर बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल करिए। डायरेक्टली एडमिशन हो जा रहा है तुम्हारा। ठीक है, CS ब्रांच को छोड़ के किसी भी कोर्सेस में एडमिशन चाहिए तो डायरेक्टली ले सकते हो। और सबसे अच्छा ये जो जर्नलिज्म वाला भी बहुत अच्छा कोर्सेस है। ठीक है, अभी जस्ट देख रहे हो, मतलब बहुत कम यूनिवर्सिटीज है इसके भी, जैसे जामिया मिल्लिया इस्लामिया टॉप का कॉलेज है इसके अंदर। ठीक है, और अगर अपन बात करें ये MOU क्या होता है, तो जस्ट इसका मतलब ये होता है कि जस्ट अगर आपको 2 साल तो ये यूनिवर्सिटी पढ़ाएगा। ठीक है, जो भी है ये MRS PTU। ठीक है, और जो भी 2 साल आपके बाकी के बच्चे जो इंडिया के बाहर के जो भी अच्छे कॉलेजेस होते हैं, फॉरेन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, आउट ऑफ इंडिया के जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, जैसे कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, या फिर जो भी कैलिफोर्निया के अंदर अच्छे अच्छे जो भी कॉलेजेस हैं उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। तो सबसे अच्छी बात ये होती है इनकी कि अगर आप डायरेक्टली वहाँ पे जाते हैं तो उसकी फीस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो सभी के लिए एफर्ट्स कर पाना बहुत मुश्किल है वो। ठीक है, लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि आपको जस्ट इस यूनिवर्सिटी की इतनी इतनी फीस में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ मतलब ऑलमोस्ट इसके जितनी फीस के अंदर आपको डायरेक्टली पढ़ाते हैं वो, हाँ हो सकता है इतने में भी पढ़ा दे। ठीक है, लेकिन हाँ आपको 2 साल यहाँ पे पढ़ाते हैं और 2 साल आपको जस्ट फॉरन में भी पढ़ाते हैं अगर आपका इंटरेस्ट हो तो। ऐसा नहीं है कि आपको जस्ट ऐसे भेज देंगे, फॉरन चले जाओ। ठीक है, तो जस्ट 2 साल आपको वहाँ पढ़ाएंगे, इसलिए आपको आपने देखा होगा कि इसका प्लेसमेंट, मतलब यहाँ का जो प्लेसमेंट है विप्रो माइक्रो माइक्रोसॉफ्ट, वो थोड़ा कम दिखाई देता है आपको, क्योंकि डायरेक्टली प्लेसमेंट तो जो मतलब अच्छे बच्चे होते हैं वो तो डायरेक्टली बाहर चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसका प्लेसमेंट नहीं होता, बहुत तो अच्छा प्लेसमेंट होता है। एंड आई थिंक इट्स वेरी गुड, डायरेक्टली एडमिशन अवेलेबल है अभी। ठीक है, आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप विजिट करते हैं तो आपको ये जैसे गेस्ट हाउस वगैरह आपको रखते हैं वहाँ पे, हॉस्टल देते हैं, आप वहाँ पे रहिए, डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए और एडमिशन लीजिए डायरेक्टली।
ठीक है। और अब ज्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। अभी जस्ट 2 साल से अब स्टार्ट होने वाला ही है, ठीक है। ये जस्ट स्टार्ट तो होने वाला है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी रैंक ठीक ठाक नहीं है, और सिर्फ इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपके जेई के अंदर ठीक ठाक परसेंटाइल नहीं है और 12th के अंदर अच्छे परसेंटाइल है, लेकिन 12th में भी अच्छा नहीं है, लेकिन अभी जस्ट डायरेक्ट एडमिशन चल रहा है, तो यहाँ पे लोग ये नहीं देखते कि कितना परसेंटाइल है कितना नहीं, जस्ट डायरेक्ट ले सकते हो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो। एंड आई थिंक बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेस है, जैसे CS को छोड़ के, और CS भी मिल सकता है, ऐसा इश्यू नहीं है, ठीक है। अगर ठीक ठाक रैंक है तो CS भी मिल जाएगा, लेकिन अगर अपन CS को छोड़ दे तो ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज में मिल जाएगा। और इसके अंदर मुझे ऐसा कोर्स दिख नहीं रहा कि जो यहाँ पे अवेलेबल ना हो, ठीक है। IT, ये जस्ट BTech के सारे कोर्सेस है, BSc के सारे कोर्सेस है, एविनेशन रिलेटेड, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, सारे ऑल ओवर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, देख लो यहाँ पे वेबसाइट पर पूरा लिखा है, ठीक है। तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, शायद इनका नाम प्रदीप सर ऐसे कुछ होगा, ठीक है। हाँ, जस्ट उनको कॉल कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो यार, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास। और अगर वेबसाइट पे अगर आपको वैसे एडमिशन चाहिए तो आपको IK गुजराल के थ्रू तो दोनों राउंड कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे तो जस्ट ऐसा भी जस्ट कांटेक्ट करते हैं कि हमने जस्ट काउंसलर्स को इतने रुपए दिए हैं, 20,000 दे दिए हैं, वो जस्ट JEE के बेसिस पे अप्लाई किया है, 10 तारीख तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि मैकेनिकल में मिलेगा, इलेक्ट्रिकल में मिलेगा, तो यार वो भी जस्ट पैसे लेकर भी वो कोई गलत काम नहीं है, लेकिन जो भी पैसे ले रहे हैं वो भी तुम्हें CS तो नहीं दिला पाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें और कोर्सेज चाहिए तो तुम डायरेक्टली ले सकते हो यूनिवर्सिटी से, ठीक है, क्योंकि तुमने उनको जो है 2,000 एटलीस्ट 5,000 रुपए दिए होंगे अभी, वो 10 तारीख जब तुम्हारा जब रिजल्ट आता है 10th बेसिस पे, तब वो तुमसे फिर से पैसा लेगा, ठीक है, एटलीस्ट 20,000 तो लेता ही है। इससे अच्छा तो यही है कि तुम 5,000 गए उसको छोड़ो, डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से ले लो, तुम्हारा एटलीस्ट 15,000 तो बचेगा, ठीक है। तो जस्ट अभी ऑप्शन है यार, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर लो, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, ये मेरा नंबर नहीं है, ठीक है, ओके। दिस इज यूनिवर्सिटी नंबर, और यहाँ पे अगर अपन बात करें इसकी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो वहाँ पे दिया गया है नंबर, ठीक है, चलते हैं, चलो। तो यार यहाँ पे देख सकते हैं, जब भी आप वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो आपको टोल फ्री नंबर दिख रहा है, आप इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, आप विजिट करके यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले, और ज्यादा टाइम भी वेस्ट ना करें। और अगर यू आर फ्रॉम बिहार एंड अदर स्टेट, ठीक है, सबसे अच्छा तो मौका बिहार वालों के पास ही है, ठीक है। उनकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होती है, ठीक है, उनके जस्ट वो 4 लाख रुपए ऐसे कुछ मिलते हैं बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो अगर आप बिहार से है तो आपको जस्ट किसी भी काउंसलर को पैसे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमारा भी सब्सक्रिप्शन प्लान लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से कॉन्टेक्ट करिए, विजिट करिए और डायरेक्टली एडमिशन लीजिए, ठीक है। थैंक यू, गुड लक, हैव नाइस डे, गुड डे, बाय बाय। यार थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह भी कर दो, ठीक है, ओके गाइस, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच। और आप जस्ट इस पे कांटेक्ट जरूर करें, ठीक है, और हमारा नाम भी बता सकते हैं कि यहाँ से मिला हमें वीडियो, ठीक है, हमें भी जाने कोई, ओके बच्चा, थैंक यू सो मच। और जस्ट यार अभी जस्ट डायरेक्ट एडमिशन मिल रहा है, ठीक है, जोसा वगैरह में आने की कुछ उम्मीद नहीं है, तो डायरेक्ट एडमिशन ले लो, अच्छा कॉलेज नहीं है। आई थिंक MOU का मुझे ऑप्शन बहुत अच्छा लगा, फॉरेन में पढ़ने का बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है तुम्हारे पास, वहाँ पे प्लेसमेंट बहुत अच्छा अच्छा होता है, ठीक है, इंडिया को तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली फॉरेन, यार मुझे मौका मिलता तो मैं भी पढ़ता, मुझे इतना पता नहीं था पहले, ठीक है। तो आप लोगों को पता है, आप जस्ट ले सकते हैं एडमिशन, थैंक यू सो मच, हैव नाइस डे, गुड डे, बाय।